सबसे पहले मैं समीर भाई को और माँ के लिए दो लाइन कहना चाहता हूँ कि दुनिया में हर हर घर में माँ की पूजा हो, ऐसा संकल्प उठाता हूँ मैं। दुनिया की हर माँ के आगे अपना शीश झुकाता हूँ, उसके बाद में अपनी दो लाइनें कहता हूँ। समीर भाई ने जो इतना प्यारा कार्यक्रम किया, ये फैशन शो जो आज इनका पहला फैशन शो है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पहला है, ऐसा लग रहा था ये 101वां शो है। और समीर भाई ने ये कार्यक्रम को बड़ी खूबसूरत और बड़ी खूबसूरत ढंग से इस कार्यक्रम को किया, और माशाल्लाह आज ही इनका शो सुपर हिट रहा। इसी तरह से समीर भाई अपने शो को बॉम्बे में नहीं, देश में विदेश में पूरी दुनिया में इसी तरह से कार्यक्रम करते रहें और पूरे वर्ल्ड में अपना नाम करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत हीरोइन को आज इन्होंने लॉन्च भी किया है समीर भाई ने, और खुद भी लॉन्च हुए हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि समीर भाई आप इसी तरह से शो करते रहें और देश में विदेश में पूरे वर्ल्ड में इसी तरह से नाम करते रहें, और इस तरह की खूबसूरत लड़कियां देहरादून से नहीं पूरे वर्ल्ड से ढूंढ ढूंढ के लाते रहें और बॉलीवुड को देते रहें। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे दोस्त शबाब आजमी जी का, जमील भाई का, इन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे गाने बनाए हैं, और जमील भाई ने बहुत प्यारा गाना लिखा था जो अभी बाजार फिल्म में आप सबने देखा है, इन्होंने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया। बस मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, इसी तरह से इनके शो हिट होते रहें। क्या बोल रहे भैया, एक इन्होंने बड़ी प्यारी, हाँ अभी जो वीडियो लॉन्च किया है, तो वीडियो लॉन्च भी इन्होंने बहुत प्यारा गाना जिसमें ये खूबसूरत अभिनय किया दोनों ने, उसके लिए भी मैं जोरदार तालियां बजाता हूँ। और आप सबको प्यार और आशीर्वाद, खूब दुलार इसी तरह मिलता रहे, और मैं आप सबको प्यार इसी तरह देता रहूँ। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस फैशन शो के बारे में, फर्स्ट टाइम था किस तरह का रिस्पांस मिला यहाँ पर? एक्चुअली मुझे मैं एक चीज बोलूंगा तो ऐसा लगेगा आपको कि ये तो हर इंसान बोलता है यार, मतलब मैंने जितना सोचा था मुझे बहुत, जैसे कि आप देखते हैं कि जब हम कुछ बड़ा करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, लाइक कि अगर आप प्रोड्यूसर हैं और साथ में अगर आप एक्टर भी हैं और तो आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ज़्यादा आपको टेंशन हो जाती है, आपको कैसे काम होगा, कैसे इतने सारे लोगों को आप हैंडल करेंगे, कैसे क्या होगा। तो ये कोई फिल्म तो थी नहीं जिसका मैं प्रोड्यूसर था, ये एक मेरा शो था, लेकिन मेरी कंपनी का शो था, मेरा इवेंट था, तो अकेला मुझे हैंडल करना पड़ रहा था इतनी सारी टीम को, इतने सारे लोगों को। किड्स मॉडल भी थे, मेल मॉडल भी थे, फीमेल मॉडल थे, एडल्ट मॉडल थे, फिर ऊपर से मेरा कास्ट करू, जो मेरा अभी नेक्स्ट मंथ जो गाना रिलीज हो रहा है उसकी भी लॉन्चिंग पार्टी मैंने इसमें साथ में रखी हुई थी, तो उनकी भी, वो भी सारा क्रू आया हुआ था। उनके अलावा जो पेरेंट्स थे, मतलब ये 200-300 लोग जो आए हैं इधर, उन सबका मुझे शो होने से पहले ऐसा लग रहा था कि क्या करूँगा यार, कैसे होगा, क्या हो पाएगा, लेकिन मेरे अंदर एक हिम्मत थी, और वो हिम्मत थी कि डिम्पल जो मेरी कोरियोग्राफर है, एक्चुअली मेरा जब गाना शूट हो रहा था तब भी उसने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी थी, और इस बार जब मैं शो कर रहा था तो मैंने डिम्पल को बोला कि डिम्पल हम कर पाएंगे, हो पाएगा। डिम्पल ने बोला सर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, ये हो पाएगा, हम कर पाएंगे। मैंने सुबह मॉर्निंग में भी डिम्पल को पूछा कि डिम्पल आज हमारा शो है, हो पाएगा, कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतना सारा क्रू, इतने सारे लोग, इतने सारी ऑडियंस, ये सब आप लोग मीडिया, ये इतना सारा, इतना बड़ा इवेंट, मैं घबरा रहा था, लेकिन आई होप कि आप लोग सब देख ही रहे हैं और सब ने देखा है, सब ने अच्छे से इंजॉय भी किया और सब खुश भी हुए, और सबको अच्छा लगा। कैसा लगा आप सबको? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, कम्युनिटी बहुत अच्छे तरीके से हो पाया, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हैप्पी हूँ मेरी म्यूजिक लॉन्च के लिए, मेरे एल्बम के लिए, मेरे सॉन्ग के लिए, मेरे को एक्टर्स सौरभ, अंजलि, एलिना, आकांक्षा एंड कृष्णा, ये सब जो को एक्टर, उनके लिए मैं काफ़ी खुश भी हूँ, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया है और काफ़ी अच्छे से मेरे साथ काम किया है, नेक्स्ट भी हम लोग कुछ अच्छा करेंगे। मेरी कंपनी शिनाया फिल्म एंड एक्टिंग, शिनाया फिल्म एंड एक्टिंग, ये शिनाया एक मॉडलिंग एजेंसी है, और मॉडलिंग एजेंसी में आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, मॉडलिंग एजेंसी एक शो करती है, कास्टिंग करती है, एक मॉडल को ब्रेक देती है, एक प्लेटफॉर्म होता है एक मॉडल के लिए। एक हम सोचते हैं कि हमें एक्टर बनना है या मॉडल बनना है तो हम किसी डायरेक्टर या डायरेक्टर किसी से नहीं मिल पाते हैं, तो ना मिल पाने की वजह से हम एक प्लेटफॉर्म सर्च करते हैं, वो प्लेटफॉर्म होता है एक मॉडलिंग या कास्टिंग एजेंसी, जिससे हम जाते हैं, हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये मेरी एक मॉडलिंग एजेंसी है, और फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट 2-3
इसी मंथ में मैं अपना एक एक्टिंग स्कूल शिनाया एक्टिंग स्कूल भी डाल रहा हूँ, जिसमें मेरे जो टीचर्स होंगे, जो लोग होंगे जो टीचिंग करेंगे, जो एक्टिंग के बारे में आप लोगों को बताएंगे समझाएंगे, वो सब इंशाल्लाह NFDI या NSD जो पास आउट है, जो पास कर चुके हैं, उन लोगों को मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो मेरे स्कूल में आके स्पीच दे, टीचिंग करें, लोगों को समझाएं, बताएं एक्टिंग के बारे में सही और गलत क्या है, वो सब समझाएं लोगों को। और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये जो मैंने बोला है या जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा लगा हो, अच्छा लगे, आई हो। बहुत खूब समीर भाई, हमारी दुआ है कि आप इसी तरह से कामयाब होते रहो, इसी तरह से अपना देश विदेश में अपना नाम करते रहो। हाँ, सब बात समीर भाई, बहुत जितनी भी बातें इन्होंने बोली है, ना इन्होंने लिखा था ना कुछ सोचा था कि मुझे ये बोलता है, बस मैं इतनी बोलूंगा कि ये सच्चे दिल से बोलते हैं, जो दिल में होता है वो बोलते हैं, वो जो आप लोगों को अच्छी लगती है, ये इनकी खासियत है, जो जैसे हैं बस ये वो चीज़ है। बाकी का म्यूजिक म्यूजिक मैंने किया है, लेकिन हमारे जमील अहमद नाम है, बड़े अच्छे डेविड टैलेंट हैं, और समीर भाई ने मुझे ऐसे ही फ़ोन किया था कि यार कुछ हम सोच रहे हैं कि कुछ एल्बम करना है मुझे ऐसा ऐसा, तो हम लोगों ने पहला एक मुखड़ा बनाया, फिर इनको सुनाया, उस पर काफ़ी मेहनत किया इन्होंने, स्टूडियोज वगैरह में गए, एक्चुअली मेहनत किया इन्होंने, बहुत अच्छा इनको नॉलेज भी है म्यूज़िक का, ऐसा नहीं कुछ भी बना के दे दो और वो हो जाएगा, बहुत मेहनत किया इन्होंने करवाया, और अल्तमश से बाकी का बाद में गवाया, हम लोगों ने वीडियो बना के वो आप लोगों के सामने दे दिया। एक्चुअली ये जो गाना है मेरा जो म्यूज़िक एल्बम है मुलाकात भारती सॉन्ग मोला मेरे मोला, ये गाना कंपोज किया था हम लोगों ने 6 महीने पहले, और 6 महीने पहले हम लोगों ने बना के वो सब करके, थोड़ा सा मेरा इनका कुछ शेड्यूल बिजी था, फिर मेरा कुछ शेड्यूल अलग था, वो करने के बाद हम लोग सेकंड गाना कुछ कर रहे थे, वो गाना है पंजाबी गाना था मेरा, जिसकी मैं प्लानिंग कर रहा था पहले मैं वो शूट करूँगा, और सारी प्लानिंग उस गाने के लिए हुई थी, लेकिन फाइनली बोले कि पहले हम लोग ये गाना करते हैं, क्योंकि जितने भी लोग वो ये गाना सुन रहे थे, इंशाल्लाह आप लोग भी सुनेंगे तो आप बोलेंगे कि हमारा फैसला अच्छा था कि पहले यही करना चाहिए था, तो फिर फाइनली हम लोगों ने ये गाना किया, और इस गाने की शूटिंग के लिए हम लोग दापोली गए। दापोली एक ऐसी लोकेशन है जो अभी तक इंडस्ट्री में, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में किसी ने शूट नहीं किया, वो पहली लोकेशन है जो हमने सर्च की है, और वो वीडियो में आपको दिखाई भी दे रही है, और आप लोगों ने कवर भी किया, देखा भी है कि वो लोकेशन आपको कैसी लग रही है, क्या है, थोड़ी परेशानी पड़ी, मुश्किल है, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर जाना है, गर्मी में रहना है, कोई ज़्यादा आपको फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी वहाँ पर, होटल्स मतलब ज़्यादा दूर दूर है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, और आपको ट्रैवल अपनी चीज़ों में करना था, तो थोड़ी तकलीफ तो हुई थी, लेकिन अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। एक्टर से जानना चाहूँगा, एक्टर का किस तरह का एक्सपीरियंस था, मैम बताइए कैसा एक्सपीरियंस था। मेरा एक्सपीरियंस तो समीर के साथ काम करके लग ही नहीं रहा था कि मैं पहली बार काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा काम करके। समीर से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मिले हुए, पर ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते, कुछ भी काम होता है बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कुछ ऐसा लगता नहीं कि हाँ समीर है, मतलब बाप रे, बहुत अच्छे से करते हैं। शूटिंग के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन सब कर लिया मैनेज, ये ऑलराउंडर है, ये सब संभाल लेता है, तो ये है, मतलब कोई कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, एकदम छोड़ दो, टेंशन छोड़ दो, इसके होते हुए किसी चीज की टेंशन नहीं। So he's better as an actor or as a producer? ये सब है। मतलब कौन सा जॉब वो सबसे बेटर करता है? ये सब करता है। आप इसे किसी चीज में वो नहीं कर सकते कि ये क्या बेस्ट कर सकता है, ये सब कर सकता है। मैं जितना मैं जानी हूँ, मैं फैशन शो भी कर सकता हूँ, ये कैसे तो आज आप लोगों ने देख ही लिया। फैशन शो मैंने किया नहीं था, लेकिन फैशन शो भी कर सकता हूँ, आज फाइनली मैंने किया तो लगा कि अब कर सकता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा था, अभी इंशाल्लाह मेरी तैयारी है इंडिया के अलग अलग शहरों में जाके मैं सर्च करूँ, और वहाँ पे मैं अपने कुछ शोज करूँ। कुछ मुश्किल होता है, कुछ नहीं होता, लेकिन जब करने जाओगे तो सब इंशाल्लाह आसान हो जाता है। अच्छा, मैं बाकी के क्रू से भी आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, एंड मैं पहले अपने म्यूजिक डिपार्टमेंट से आपको मिलाता हूँ। एक्चुअली ये है
हमारे जमील भाई तमिल राइटर, इन्हें अभी फिल्म बाजार के लिए जो इनको नॉमिनेट किया गया था मिर्ची म्यूजिक अवार्ड के लिए, राजपथ अली साहब का गाना था वो इन्होंने ही लिखा है और वो गाना इन्होंने ही लिखा था उसका। ये मेरा जो गाना है मौला मेरे मौला, ये खूबसूरत लफ्जों के शब्दों के बादशाह हैं, ये लिख सकते हैं, इन्होंने लिखा है। बाजार का गाना भी आपने सुना होगा और मेरा जो गाना है मौला मेरे मौला वो भी बोल इन्हीं के हैं, इन्होंने ही लिखा है। और ये तो आप मिल ही चुके हैं मिस्टर शवाब आजमी, ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं। ये एक्चुअली इनकी एक मेरी एक थोड़ी सी स्टोरी है, वो शेयर करूँगा मैं। मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस में बहुत सारे एक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिक्स राइटर्स या जो भी लोग हैं वो जो मेरे फ्रेंडली हैं या जिनको मैं जानता हूँ या जो लोग मेरा नाम सुन के आते हैं मुझसे मिलने के लिए, मैं उनसे मिलने जाता हूँ। ये बंदे के अंदर क्या है कि मुझे इसके अलावा काम अच्छा नहीं लगता, मतलब मुझे पता नहीं कि इन्होंने क्या है, लेकिन इनके अलावा मैं अगर किसी म्यूजिक, मैंने दो या तीन सॉन्ग किए इनके साथ, पहला सॉन्ग मेरा अभी रिलीज हो रहा है, दो सॉन्ग ऑलरेडी कंप्लीट है, एक पंजाबी सॉन्ग है उसके बोल है लुक तेरा लगदा कमाल सोड़िए उस पे किलर तेरी चाल सोड़िए लग जाए ना नजर, बस यही है फिकर, बाकी सब तक क्लास है। पंजाबी सॉन्ग है जो रैप सॉन्ग है, हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ गोवा जाएंगे। इस गाने में जो कैरेक्टर किया है इन्होंने वो एक फ्रेंड का रोल किया है, बाकी अपने कैरेक्टर के बारे में बता दें जी। तो मेरा रोल इसमें ये है कि मैं इनकी काफी खास दोस्त बनी हूँ उसमें, और जैसे कि आपने देखा दरगाह वाले सीन में जैसे होता है कि ये जिनसे प्यार कर रही होती है वो इन्हें सामने दिख जाता है, तो बस उसी चक्कर में मेरा दिमाग वहाँ ही खराब हो जाता है और मैं इनका हाथ हटाती हूँ और इन्हें बोलती हूँ कि प्लीज उसकी तरफ मत देखिए बिकॉज आपकी शादी और कहीं होने वाली है। तो बस मेरा यही कारोबार था इसमें, थैंक यू। सिर्फ नाम की दोस्त है, सपोर्ट कहीं नहीं किया था। ये सौरभ है जो एक मेरे गाने में लीड रोल कर रहे हैं, जो हीरो का कैरेक्टर कर रहे हैं, ये हिंदू लड़के का कैरेक्टर कर रहे हैं और ये एक मुस्लिम लड़की से प्यार करते हैं, और ये इस गाने की रीम है कि एक दोनों को हम लोग मिलाते हैं क्योंकि प्यार में धर्म नहीं आते। पहले तो आप सभी का शुक्रिया इधर आने का, और जैसा कि समीर सर ने बोला कि दिस इज माय डेब्यू विद दिस म्यूजिक सॉन्ग जिसको अल्तमाश अदरी सर ने गाया है और सर ने लिखा और शवाब भाई के म्यूजिक, और मैं ही इनका वो गाय था जो इनके पीछे पड़ा हुआ था लेकिन ये बीच में आ जा रहे थे, बट फाइनली एंड में वे मेरे को मिल जाती हैं। अंजलि जो ये मेरी बुआ, अंजलि एक तीसरा ऐसा कैरेक्टर है जाने में जो कि एक मेजर है, उसकी वो फुफो एक होता ना कि डायन फुफो, एक्चुअली डायन फुफो, आपने डायन नाम तो सुना ही होगा, वो एक एक्चुअली मेरे लिए तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है इस गाने में, हमेशा ही मुझे मिलाना चाहते हैं लेकिन फाइनली कुदरत की मेरे दिल में एक अच्छी चीज़ पैदा होती है और मैं इनकी चीज़ों को भी इग्नोर करके मैं अपने अहंकार को मार के इनके प्यार को जिता देता हूँ। ये वैसे खाली उस रोल में एकदम वैम वैम दिख रही है, बाकी बहुत अच्छी है, सीरियसली बहुत अच्छी है। ये कैरेक्टर में डायन हूँ नहीं तो वैसे बिल्कुल मेरा रोल वैसा था कि मैं इनके प्यार के खिलाफ थी और मैं जहाँ चाहती थी शादी करें ये तो मैं उनसे मिलवाने के लिए लगी हुई थी, पर फाइनली मेरा कुछ हुआ नहीं, मैंने जो सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, एंड इन्होंने मतलब खुद ही छोड़ दिया, तो मेरा कोई रोल लास्ट में हीरो बन गया। एंड मैं इनका फ्रेंड का उसमें था रूम मेरा इनके साथ समीर जी के साथ, और अच्छा लगा मुझे काम करके सर। अभी आपने पूछा था एक क्वेश्चन कि ये एक्टर हैं या डायरेक्टर हैं जो भी हैं, तो ये जो भी काम करते हैं वो डेफिनेटली अच्छे तरीके से करते हैं, या एक्टिंग करें या डायरेक्शन में हो या प्रोड्यूसर, तो बाकी जो अभी गाने का जो बताया जा रहा है वो आपको गाने में मिल जाएगा क्या क्या किरदार होगा। मेरा नाम कृष्णा है। हेलो, मैं नाम शाहजहाँ रोल कर रहा हूँ उसमें, तो उसमें हमने बहुत मेहनत की, तो आप सॉन्ग देखो कैसा है। ओके, मेरा नाम तेजस है और ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, मैं भी फर्स्ट टाइम था ये सॉन्ग में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक एक्सपीरियंस मिला, तो बस आप सब सॉन्ग देखिए, थैंक यू। हाय, माय सेल्फ तबस्सुम खान, और मैंने इसमें
कैरेक्टर रोल किया है और जो अपने ब्रदर से बहुत प्यार करती है और उसी की खुशी में खुश होती है नॉट सो जब आप देखेंगे तो पता चलेगा. थैंक यू सो मच. हाय मेरा नाम ऐश्वर्या है. मैंने अलीना और जो लीडर उनकी फ्रेंड का रोल लाइक प्ले किया है तो अब जीरो.